असलकम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पास्ट पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं ये पेपर प्रोविजनल मैनेजमेंट सर्विस का है इसके पहला पेपर हम अपलोड कर चुके हैं ये दूसरा मॉडल पेपर है इसके पहले पचास एम हम पहली वीडियो में अपलोड करेंगे और दूसरी बाकी पचास दूसरी वीडियो में इन अपलोड करेंगे पहला सवाल है इक्वेस्टिक कौन सी सेंस है ये साउंड की सेंस साइंस है द आर्ट ऑफ ब्रीडिंग सिल्क वॉर्म एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क ब्रीडिंग ऑफ सिल्क एंड प्रोडक्शन ऑफ सिल्क तो इस महारत को क्या कहते हैं इसको कहते हैं सैरिकल्चर बी जवाब दुरुस्त है द देंस ऑफ सेलेशियल बॉडीज इज नॉन नॉन एज सेल बॉडीज़ के सेंस को क्या कहते हैं आस्ट्रोनोमी डी जवाब सही है टेलीपैथी टेली इज़ टेलीपैथी का क्या मतलब है टेलीपैथी का मतलब है कम्युनिकेशन बाय मींस अदर देन सेंसरी परसेप्शन सी जवाब पैडागोजी इज द सेंस ऑफ पैडागोजी टीचिंग टीचिंग से रिलेटेड है स्टडी ऑफ मैप्स एंड फीचर्स ऑफ द यूनिवर्स इज़ कॉल्ड मैप्स ऑफ फीचर एंड यूनिवर्स के स्टडी को क्या कहते हैं कार्टोग्राफी डी जवाब इसका सही है Scientific स्टडी एंड measurement ऑफ बिहेवियर बिहेवियर का लफ्ज़ जहाँ आ जाए बिहेवियर के रवैये बिहेवियर की स्टडी को क्या कहते हैं साइकोलॉजी कहते हैं Etymology रेफर टू द स्टडी ऑफ etymology वर्ड्स के स्टडी को कहते हैं पीडिया Pedia, is इज रेलिवेंट टू का मतलब है शो बाए अतफाल यानी बच्चों का इलम चिल्ड्रन इसका सही जवाब है शेप ऑफ मिल्की वे गलेक्सी मिल्की वे गलेक्सी का शेप कौन सा है स्पैरल बल खाता हुआ स्पैरल का मतलब है बल खाता हुआ कोल्डेस्ट प्लांट ऑफ द सोलर सिस्टम इज कोल्डेस्ट प्लांट जो है नेपचून है हार्ड हार्टेस्ट प्लांट वेनस है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सेटेलाइट ज्यूपिटर जुपिटर के ज़्यादातर सैटेलाइट हैं प्लांट टेक्स द लॉन्गेस्ट टाइम गो वंस अराउंड द सन ज़्यादा चक्कर नैपचून के हैं नैपचून इसका सही जवाब है द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाई पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट किसने लॉन्च किया था रशिया रशिया ने लॉन्च किया था दर्स्ट कैनिडियन वोमन इन स्पेस वाज कैनेडियन पहली खातून थी कौन थी जिन्होंने स्पेस में कदम रखी थी रोबर्टा बर्टा बॉउंडर इसका नाम है रोबर्टा बेर्टा बॉंडर ए जवाब सही है फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू सेट फुट ऑन मून वाल एस्ट्रोनॉट का मतलब है खलाबाज पहला खलाबाज जिन्होंने मून चांद पर कदम रखे थे उसका नाम है नील आर्मस्ट्रांग दी, दी थेरी स्टेटिंग दैट न्यू मैटर इज़ आलवेज क्रिएटेड टू फिल द स्पेस लेफ्ट बाय द यूनिवर्स इज कॉल्ड स्टेडी स्टेट इस को कहते हैं स्टडी स्टेट जिससे मामलों हमेशा पैदा किए जाएं और स्पेस को फिल करने के लिए वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट सी लेवर सात सौ इकहत्तर मीटर पर सेकेंड एसीड बाई ग्रेविटी एक्सीशन केज्ड बाई ग्रेविटी बत्तीस फुट पर सेकेंड ए रॉकेट नीड्स द स्पीड ऑफ डैश टू एस्केप फ्राम अर्थ ग्रेविटी रॉकेट को कितना स्पीड की जरूरत होती है सात मील पर सेकेंड रॉकेट के लिए है सात मील पर सेकेंड डी जवाब सही है सन लाइट इज कम्पोज ऑफ सेवन कलर्स सूरज के सात कलर हैं द गैस इन एयर हवा में रेयरेस्ट गैस न्यून है minor object in irregular shape irregular shapes orbiting the sun are called asteroid the lowest zone of atmosphere containing about 75 percent of total mass of atmosphere and 90 percent of its water vapor is called stratosphere jawab hai, stratosphere the theory about the beginning शुरू में ऑफ द यूनिवर्स बाई ह्यूज एक्सप्लोजन एक धमाके के साथ जो थेरी कानात बनी उस थेरी को क्या कहते हैं इज कॉल्ड उसको कहते हैं बिग बैंग थेरी कौंसलेन इज कौंसलेन का क्या मतलब है पैटर्न आर ग्रुप्स ऑफ स्टार इन द सकाई सी जवाब सही है इसका द सन टेक्स डैश ईयर टू ट्रेवल अराउंड द गलेक्सी 225 मिलियन ईयर 225 मिलियन ईयर डेज एंड नाइट्स आर इक्वल थ्रू आउट द ईयर एट इक्वेटर इक्वेटर में दिन और रात बराबर हैं पूरा साल क्लासिफाइड बॉडी दैट इफेक्ट्स टाइड्स ऑफ ओशन इस मुज आसमानी जिसम जो समंदर के लहरों पर असर करती है उसको क्या कहते हैं मून ह्यूज क्लाउड ऑफ गैस एंड डस्ट इन यूनिवर्स इज कॉल्ड नेबोला आउटर सरफेस ऑफ द सन इज़ कॉल्ड कोरोना। सन के आउटर सरफेस को क्या कहते हैं कोरोना। सन डायमीटर इज़ 1.4 पॉइंट फोर मिलियन के एम द लार्जेस्ट प्लांट इज सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लान जूपिटर द दी कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ कॉन्टीनेंट्स एज कॉल्ड कॉन्टीनेंट कॉन्टेंटल कॉन्टीनेंटल ड्रिफ्ट इसका जवाब सही है सवाल नंबर पैंतीस है द लेयर ऑफ एटमासफियर इन विच वई लिव एज कॉल्ड स्ट्रेट्रोसफेयर फोटोसफियर लिथोसफियर लोनोसफियर ये तमाम जवाब इसके गलत हैं में इसका जवाब नहीं है आगे इसका जवाब बता दीजिएगा स्टडी ऑफ फिंगर प्रिंट इज कॉल्ड फिंगर प्रिंट के स्टडी को क्या कहते हैं डेक्टियोलोग्राफी डी बी जवाब सही है विच रॉक्स मेक्स द अर्थ सरफेस ऑफ क्रस्ट सेंटिमेंट्री इग्नियस मेटाफ्यूरिकल ऑफ दिस ऑफ दिस एरिया इन ए डिसट वेयर देयर इज सफिशेंट वाटर फॉर प्लांट्स इज कॉल्ड सहरा का वो इलाका जहाँ वाफिर मिकदार में पानी मिल जाता है उसको क्या कहते हैं ओएसएल बीज जवाब सही है प्लेट टेक्टोनिक थेरी एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ कॉन्टीनेंट्स सिलिकॉन इज आल्सो कॉल्ड अर्थ मेकर सिलिकॉन को अर्थ मेकर भी कहते हैं डेज एंड नाइट्स आर इक्वल आल ईयर एट नैरोबी नैरोबी में दिन और रात बराबर हैं वेन मैगमा रीच द सरफेस इट इज़ कॉल्ड लावा इसको लावा कहते हैं विच स्टार इज नॉन ऐज द कॉन्स्टेंट स्टार तो नॉर्थ स्टार को कौन कॉन्स्टेंट स्टार कहते हैं विच एरिया इज नॉन एज वर्ल्ड अर्थ को बेल्ट पैसिफिक रिंग ऑफ फायर ये जवाब इसका सही है पहले वाले सवाल का जवाब है दी ट्रोपोसफेयर इज द लोवेस्ट लेयर ऑफ द एटमोसफियर वी लिव इन ट्रोपोसफेयर वी लिव इन ट्रोपोसफियर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फिजिक्स लॉ ऑफ मूवमेंट फिजिक्स लॉ ऑफ मूवमेंट कौन सा है पहला जवाब द प्रोडक्ट ऑफ क्लाक वाइज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ एंटी क्लाक वाइज ए ये जवाब इसका दुरुस्त है विच केमिकल एलिमेंट हैज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ए मेटल एंड नॉन मेटल तो इसका मेटोलाइट जवाब सही है ये मेटल भी है और नॉन मेटल भी है विच ट्यूब एक्सटेंड फ्राम माउथ टू एनस एलिमेंट्री कैनाल वेयर इज द बाइल स्टोर्ड एंड इंटरमीडिएटली वक्फ़े वक्फे के साथ रिलीज इन टू दुमाल इंस्टिन इंटस्टाइन टू एड डिजिस्टन तो इसका जवाब है गाल ब्लेटर ब्लड सर्कुलेट्स इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी वीनस आर्टरीज केपलरीज आलफीज आलफीद विच ब्लड ग्रुप इज़ यूनिवर्स डिनोर ग्रुप ओ नेगेटिव बाकी सवाल इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे अल्लाह हाफिज़